हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर चौकोर कपड़े से बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकोर कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो अब हम यहाँ पर 60 तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इस साइड से भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फिर तिरछे में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तिरछे में भी कटिंग कर लिया है। यहाँ पर कॉर्नर पर हमें इस तरह से एक बराबर करके रख लेना है और फिर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है, इसको सीधा रखेंगे और इसमें हमें ऊपर की तरफ पलेटें सिल लेनी है। 2 या 3 पलेटें हमें यहाँ पर सिलेंगे। तो एक तरफ से मैंने प्लेटों को सिल लिया है। अब हमें यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पलेटें सिल लेते हैं। 2 या 3 पलेटें हमें सिल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी प्लेटों को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 2 इंच है और लंबाई 6 इंच है। इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ छोड़ते हुए पट्टी को रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर पट्टी को सीधी तरफ से कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ से मैंने पट्टी को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे। इसकी उल्टी साइड हमें ऊपर रखनी है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। लंबाई हमारी 13.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करके कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर उल्टी तरफ से पट्टी को रखेंगे, दोनों कट को मिलाकर रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सीधी तरफ से पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी को हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई है 7.5 इंच और चौड़ाई 2 इंच है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी सिल ली है। तो इन दोनों पट्टियों को हमें जिस साइड में हमारी लंबी वाली पट्टी लगी है उसी साइड में हम यहाँ पर इसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को कुछ तरह से सिल लिया है और हमारी ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कान्हा जी लेंगे और इनको हमें कुछ तरह से ड्रेस को पहना लेना है। पट्टी को पीछे की साइड कर देंगे और जो हमारी लंबी वाली पट्टी है इससे हमें कमर की साइड से अच्छे से नॉट लगा देनी है। और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पट्टी कटिंग भी कर देते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से चौकोर कपड़े से इस तरह की ड्रेस बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।